पर लड़की के परिजन को 1 लाख रुपए देने के बावजूद शादी नहीं होने की दशा में एक युवक पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचा। इस दौरान उसने एसपी से लड़की पक्ष पर गंभीर आरोप लगाए। बता दें कि युवक देवास में प्राइवेट नौकरी करता है। उसने लड़की के परिजन पर आरोप लगाया कि लड़की के भाई ने उससे 1 लाख रुपए लिए और लड़की को दूसरी जगह बेच दिया, लिहाजा युवक ने पैसा वापस लेने के संबंध में शिकायती आवेदन पेश किया। इस दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जितेंद्र सिंह पवार ने संबंधित थाने को सूचित कर वैधानिक कार्यवाही की बात कही है। एक आवेदन अनिल सोलंकी नाम के व्यक्ति ने दिया है, जिसका ये कहना है कि उससे उसी के अनुसूचित जाति के समाज के एक जिरनिया के व्यक्ति ने जो है उसकी बहन से शादी कराना तय किया था, और शादी के बाद वो बहन की पढ़ाई के लिए आवश्यकता होने से रुपयों की मांग करता रहा और इनके द्वारा रुपये दिए गए ऐसा बताया गया। और इसी तारतम्य में जब शादी की बात आई तो शादी करने से इनकार कर दिया और इनका कहना है कि उसकी दूसरी जगह शादी तय की जा रही है। जनपद बिजनौर